जो आपके क्रिटिक्स थे उस समय के, मैं जो पढ़ रहा था, एंड दे वर ऑल क्लेमिंग दैट मीमो हैज नॉट डन एनफ प्रिपरेशन फॉर दिस काइंड ऑफ ए रोल, राइट, एज कम्पेयर टू लाइक एन अदर स्टार किड्स और जो फ्रेशर्स भी आ रहे हैं, दूसरे भी आ रहे हैं इंडस्ट्री से करेक्ट बाहर, करेक्ट वो जो जितनी प्रिपरेशन के साथ आता है, क्योंकि आजकल सब ऐसा लॉन्च एक तो मिलता नहीं है सबको, और जिसको मिलता है वो लाइक ही प्रिपेयर फॉर मेनी ईयर्स. ऑफ कोर्स तो आपको लगता है कि व्हाट्स योर आंसर टू देम? दे आर राइट, दे आर एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज जो जो लगाव से, जो प्यार से, जो लगन से मैं आज प्रिपेयर कर रहा हूँ, मेरे में वो 15 साल पहले वो नहीं था. आई वॉज अ किड, टुडे आई एम अ मैन, टुडे आई नो के रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी बदल गई है, मेरे सपने बदल गए, मेरी उम्मीदें, मेरी इच्छाएं बदल गई है. यू नो एवरीथिंग चेंजेस विद टाइम. बैक देन वो सब था ही नहीं ना, वो सब सोचते नहीं था, आज मैं सोचता हूँ. सो दे वर एब्सोल्युटली राइट एंड आई एम हैप्पी के जैसे आपने कहा कि यू नो बैक देन इट वॉज, आई वॉज फीलिंग, देखो उस वक्त मुझे लगा था कि मैं सही हूँ, बट आज मुझे पता है कि ये वर्जन इज मोर ट्रूअर देन दैट वर्जन. बिकॉज जैसे आपने पहले क्वेश्चन में पूछा कि यू नो डू वी गेट बेटर, एंड दिस इज हाउ यू गेट बेटर, बिकॉज यू आर लर्निंग एवरी डे. अगर आज में वो मैं, अगर आज भी मैं ऐसे लोगों को मिल चुका हूँ अनफॉर्चुनेटली, जो बिलीव ही नहीं करते कि उन्होंने कभी कोई गलती की, जो बिलीव ही नहीं करते कि वो कभी कुछ गलत उन्होंने की है. जो उन्होंने किया वो सही है, जो उन्होंने किया वो सच है. ठीक है, 99% दे माइट ऑल्सो बी ट्रू, मैं किसी से उनका सच नहीं छीन रहा, बट नोबडी इज 100% राइट ऑल द टाइम. यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू हैव टू एक्सेप्ट कि हाँ मेरे से गलती हुई है, बट मैं उन, जैसे आपको मैंने कहा कि मैं उन गलतियों से सीख रहा हूँ. गलती सब करते हैं यार, वी आर ह्यूमन, वी आर बॉर्न टू डू एरर्स इन आवर लाइफ, बट बिकॉज ऑफ दोज एरर्स वी बिकम बेटर.